स्टार्ट है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैर से हैं और हमारी दुआ है हमारे देखने जान भी रहें, खुश रहें, बाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी शाम हो चुकी है, हमने स्टार्ट कर दिया अपना काम शुरू करना, क्योंकि दोपहर को हमने चावल बनाए थे और कल शाम को हमने बनाया था गोभी का सालन, आलू और गोभी वो पड़े हुए थे, फिर मैंने सोचा कि चले शाम को वही खा लेते हैं और चावल भी कुछ पड़े हुए हैं एक प्लेट वो भी खा लेंगे, तो शाम का तो हमारा इंशाल्लाह गुजारा हो जाएगा। तो सालन अभी हम नहीं बना रहे और हमें सोने नहीं देता और खुद सोया हुआ है। दोपहर में इसने इतना तंग किया, हमें नींद आई हुई थी, इसने तंग कर करके हमें उठाया, मुझे नींद ही नहीं आई, इतना शोर इसने, मुझे शोर में वैसे नींद नहीं आती। बाज़ लोग होते हैं जिनको शोर में नींद आ जाती, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आती। तो अभी ये खुद सो गया है, उठा के ना अभी बोतलें भर रहे हैं, क्योंकि दोपहर को खाना वगैरह खाया था, बोतलें सारी खाली हो चुकी थी, तो अभी बोतलें भरते हैं क्योंकि शाम को फिर खाने पकाना और खाने का काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर बोतलें जो हैं पानी ठंडा नहीं होगा। अभी थोड़े से बर्तन भी धो लेते हैं। खजूरें मैंने धूप में रखी थी ताकि ये ख़राब ना हो जाए, तो कुछ कौवे खा गए हैं, कुछ लालियाँ जो हैं उन्होंने खा लिए हैं और कुछ मैं भी खा रही हूँ, थोड़ी सी उठा उठा के इसमें से। लालियों का जूठा खा रही हो? नहीं, मैं जो अच्छी होती हैं वो खा रही हूँ, लालियाँ जो उठाती हैं कौवे वो तो अपने हिस्सा ले जाती हैं यहाँ से। नहीं, ये कुछ पड़ी हुई भी है, ये देखें, ये परिंदों की खाई हुई है और ये भी परिंदों की खाई हुई है, देखें यहाँ पे भी ठुंगा लगाया उसने फिर उठा नहीं पाया, ये भी खाया हुआ है परिंदों का, ये देखें, ये देखें, हाँ। काफ़ी सारी आती हैं, अपना ऐसा लेके चली जाती हैं। तो कुछ अब पक चुकी हैं, अब मैं उठा के इनको छांव में रख देती हूँ। दूसरी कल लेके आए थे थोड़ी सी और हैं, वो थोड़ी सी कच्ची हैं, वो अच्छी नहीं लगी मुझे। हाँ, जिसको चाहिए वो हमें बता दें, हम उनको पार्सल करवा देंगे। हाँ, जो अच्छी नहीं है वो नहीं, यहाँ से ले के ना, खरीद के ना, हर इलाके में होंगी। नहीं, जो हमारे बहन भाई शहर में रहते हैं ना, उनके पास नहीं होती ना वहाँ के, वहाँ पे वो ही खरीद सकते हैं वो बाजारों से। हाँ। लेकिन ये है कि यहाँ पे तो आपको पता है गढ़ है, सस्ती भी मिल जाती हैं और अच्छी भी मिल जाती हैं। हाँ। तो जो कहेगा फिर हम यहाँ से परचेज करके फिर उनके लिए गिफ्ट करवा देंगे। हाँ। बहुत ही कमाल की लग रही है हमारी पूरी दीवार भी और नीचे फ्लोर वाली पेंटिंग भी, तो ये इंशाल्लाह अभी कम्प्लीट नहीं है, ये पूरी पेंटिंग जो दीवार बनी हुई है इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे, फिलहाल के लिए ये कंप्लीट जो है ना वो नहीं है। और ये फ्लोर की पेंटिंग भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, और इंशाल्लाह जब पूरा घर पेंट हो जाएगा ना, मज़ीद पूरा घर ज़बरदस्त लगेगा। यहाँ देखें, ये यहाँ पे डार्क कलर भी हैं और लाइट कलर भी हैं, जो हम दीवारों पर करेंगे ना वो बिल्कुल लाइट लाइट कलर होंगे और हल्के हल्के कलर होंगे, तो वो डार्क कलरों के साथ लाइट कलर बिल्कुल ज़बरदस्त कंट्रास्ट बन जाएगा। और देखें, वो कौवा साथ साथ आ रहा है दीवार के साथ साथ, यहाँ पे खजूर खाने के लिए आ रहा है, उसको पता नहीं है समीना यहाँ बैठी हुई है, ये देखें, ये देखें खजूर खाने के लिए आ गया, उसको पता है कि खजूर यहाँ पड़ी होती हैं। अब देखें, नीचे भी देख भी रहा था वो, अब समीना को उसने देखा ना, अब चुप करके बैठ गया है, अगर आप ना बैठी होती ना फिर ये नीचे आता और यहाँ से खजूर खा के जाता। ये ऐसे ही करते हैं कौवे, होते बहुत समझदार हैं ना ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मुझे ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी ठीक हैं, और दुआएं देखने वाले जहां भी ना खुश रहें, आबाद रहें, हंसे मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, ऐसे बिल्कुल। हाँ, नहीं ये आपने मुंह में क्या डाला हुआ है? ऊपर करो मुंह, मुंह खोलो, ये देखो ये रंग लगा हुआ है, इधर करो, कपड़े से दांत साफ करो, अपने कपड़े से दांत साफ करो। ये मेरे ख्याल में ब्रश जो है ना, इसने पेंट वाला मुंह में डाला है तो इसके दांतों को भी रंग लग गया है। और नहीं डाला। हाँ, अच्छा अभी अभी उतर गया है, तो इसकी ना आँख पे पता नहीं क्या चीज़ निकल रही है, तो ये इसकी आँख ना ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सूज रहा है। इसको जो है ना अभी पानी लगाकर वॉश कर रहे हैं और फिर इसके बाद वहाँ पे हमने ना पेंटिंग करनी है।
यहाँ पे हल्की हल्की मिट्टी लगी हुई थी जिसकी वजह से ना ये डल नज़र आ रहा था, मध्यम मध्यम सा। अभी इसको साफ करेंगे ना वाइपर के साथ, बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये दोपहर को क्योंकि गीला था तब मैंने इसको साफ किया नहीं, तो अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है, तो अब जो है ना इसको साफ कर रहे हैं। इसके ऊपर ये किक्कर है ना ऊपर, इसके फूल भी गिरते हैं और फिर मैला मैला सा लगता है। वैसे ये जो है ना उतर जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अभी फ़िलहाल शो बनाया है हमने, वीडियो वगैरह आप क्योंकि बनाते हैं ना तो मेहनत करते हैं ताकि वीडियो पे अच्छे कुछ व्यूज़ आ जाएं और आप बहन भाई भी सब इंटरटेन हो सकें और अच्छा सा अलग अलग सा कोई माहौल देख सकें अपने हमारे घर में। तो इंशाल्लाह मैं इस घर को भी पेंट करूँगा, अभी कुछ देर है, अभी मैंने एक स्कूल का काम करवाना है और साथ मिलकर करना भी है, उसके बाद जो है ना मस्जिद जो हमारी बनाई है उसको पेंट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर देखेंगे जो घर वाला घर का हमारा बाहर बाहर का हिस्सा है ना, जिस तरह ये बरामदा हो गया, जिस तरह ये चार दीवारी हो गई, इसको जो है ना हम फिर बाद में करेंगे पेंट, लेकिन फ़िलहाल नहीं करेंगे, जब स्कूल वगैरह का काम ख़त्म हो जाएगा ना फिर इंशाल्लाह पेंट करेंगे अपनी चार दीवारी को। हाँ गर्म है ना, ये फर्श है ना गर्म है, तो ये कहता है कि बहुत गर्म हो चुका है ये। अभी स्टार्ट करते हैं, जो गुड़िया बनाई थी ना हमने उस जगह पे, इस जगह पे भी ग्रासी बनाना है और ऊपर भी ना इसको कवर करना है जहाँ पे वो सर नज़र आ रहा है गुड़िया का, उसको जो ना हमने नीट क्लीन करना है, उसके बाद ये दीवार मुकम्मल हो जाएगी। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी दोबारा से हमारा काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ब्रश क्योंकि रंग जो है वो उसमें जम जाता है, वो ब्रश थोड़े से ख़राब हो जाते हैं और इसको इनको साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद जो है वो पेंटिंग शुरू करेंगे। पिछली बार पेंटिंग की थी ना उस वक्त तक मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया था, फिर ये ब्रश मैंने धोया नहीं था तो ये खुश्क हो गया था, जिसकी वजह से ना अब ये ख़राब हो गया, तो इसको मैं ना अच्छी तरीके से धो रहा हूँ ताकि दोबारा ये ख़राब ना हो जाए। हाँ जी अभी दीवार पे पेंटिंग बनाएंगे क्योंकि नीचे फ्लोर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, फर्श जो है वो ज़बरदस्त लग रहा है, उसके सामने ही हमारी दीवार पे पेंटिंग है वो भी ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन वहाँ पे कुछ हमने की थी पेंटिंग, कुछ जो है वो छोड़ दी थी, तो इन्होंने कहा कि आज जो है इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये दीवार जो है पूरी कवर हो जाए, क्योंकि ये देखें गुड़िया जहाँ पे हमने बनाई हुई थी, ये देखें ये गुड़िया, ये इसकी टांगे भी नज़र आ रही हैं और ऊपर सर भी नज़र आ रहा है और इससे ना पूरी पेंटिंग जो है वो ख़राब लग रही है, तो हमने सोचा है कि इसको कवर कर देते हैं ताकि ये पूरी दीवार जो है हमारी अच्छी और ज़बरदस्त लगे, और नीचे ये देखें नीचे से लेके ऊपर दीवार का मंज़र बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो अभी दीवार जो है वो कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी से, ये मैं ब्रश धो लें उसके बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो आपने हमारे साथ रहना है और वीडियो को पूरा देखना है, तो आज देखते हैं कि ये क्या बनाते हैं, मुझे नहीं पता ये यहाँ पर क्या बनाएगा, बस उन्होंने कहा है कि इस दीवार को मैंने कम्प्लीट करना है ताकि ये प्यारी लगे, क्योंकि ये देखें ये जगह छुटी हुई है तो ये अच्छी नहीं लग रही, ये घर बना हुआ है और इसके साथ ये जगह छोड़ दी है और नीचे इसकी टांगे भी नज़र आ रही हैं, बहुत गंदी लग रही है, जैसे ये कंप्लीट होगी दीवार उसके बाद बहुत ही प्यारी लगेगी, ये देखें। और इसके बाद कौन सा कहाँ पे फिर पेंटिंग स्टार्ट करनी है, इसके बाद देखेंगे, वो तो बाद की बातें हैं, अल्लाह पता नहीं जिंदगी रहती है नहीं रहती, क्योंकि एक एक सांस का पता नहीं है इंसान को। हाँ तो क्योंकि स्कूल का काम जो है वो टीचर कह रही है कि जल्दी से करें, स्कूल का काम स्टार्ट करना है, और ये कह रहे थे कि इससे पहले मैं ये दीवार कंप्लीट कर लूँ, इंशाल्लाह स्कूल का काम ख़त्म होने के बाद हम सोच रहे हैं कि ये फ्रंट जो है ना हम अपना ये करवा लें पेंट, क्योंकि बहुत से हमारे बहन भाई कहते हैं कि आप सफाई करते हो लेकिन लगती नहीं है ये दीवारों की वजह से, तो इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि पेंट बहुत महंगे हैं बहुत ज़्यादा, तो हम कहते हैं एक दफ़ा करवाएँ अच्छे से पेंट करवा लें ताकि बार बार फिर ना करवाना पड़े, तो एक दफ़ा करवाएंगे अच्छा पेंट करवाएंगे ताकि काफ़ी अर्सा जो है वो रह जाए दीवारों पे, ऐसे ना। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ तो ऐसे नॉर्मल तो वो तो हम एक दिन में भी करवा सकते हैं अगर करवाना हाँ चाहें तो, क्योंकि हम कह रहे हैं 250 की बाल्टी मिलती है। हाँ तो हम सोच रहे हैं कि अच्छा पेंट करवाएं ताकि कुछ दिन ठहर जाए दीवारों पे ना, इंशाल्लाह ऐसे करें। हाँ क्योंकि ये दीवारें हमने सारी जो है वो वाटर प्रूफ, वो क्या कहते हैं वाटर वाली है, प्लास्टर नहीं नहीं ऑयल पेंट। हाँ हाँ ऑयल पेंट से की है ये दीवारें, ये पेंट जो है नहीं उतरेगा चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो जाए, यहाँ पे ये ऐसी ही रहेंगी, ये दीवार भी ऐसी ही रहेगी, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि ये दीवारें तो हमने
ऑयल पेंट से कर ली हैं, और ये जो बाकी जो है वो भी हम अच्छा सा पेंट करें ताकि दीवारें जो है काफ़ी दिन जो है वो ठहर जाए, क्योंकि बार बार फिर करना भी पता है बहुत मुश्किल है। तो पहले भी हमें अभी कुछ काम हमारा प्लस्तर का वो भी रह गया है ना अंदर से, तो अभी सोच रहे हैं हम वो करवाएं या पेंट करवाएं, देखते हैं क्योंकि काफ़ी तो इंसान की, हर इंसान की हाँ छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं। तो जल्दी जल्दी से अभी स्टार्ट करो फिर मैं दिखाऊँ। तो मैं बहुत ही ना एक्साइटेड होती हूँ कि ये क्या चीज़ बनाएगा, क्योंकि मुझे बताता नहीं है, ये बनाना स्टार्ट कर देता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी दीवार जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये येलो कलर है यहाँ पे, ये भी क्योंकि येलो है, ये समंदर और ये सांप जो है, ये तेज़ तेज़ कलर जो है उठा करते हैं दीवारों पे, इस वजह से हम कहते हैं तेज़ तेज़ कलर। ये देखिए जैसे ये तेज़ कलर हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और ये तो बहुत ही तेज़ कलर हमने लगा दिए यहाँ पे, ये तो बहुत ही उठा कर है ना दूसरी दीवार जो है, वो शाम का मंजर है ना। हाँ तो जैसे जैसे ये बनाएंगे मैं आपको दिखाती रहूँगी कि ये क्या बना रहे हैं। चले जी, गुड़िया की टांगें जो है वो कवर हो रही हैं अब तो बहुत सारे कह रहे थे कि ये ना इस किस्मिना की तस्वीर बनाई है इसने तो मैंने कहा नहीं ये मेरी नहीं इसका है, भाई स्पेशल कह रहा था। हाँ वो कह रहे थे कि शायद इसने ना ये अपनी वाइफ की तस्वीर बनाई है, लेकिन मेरी नहीं है ये बस हमने देखी थी वही, इसको पसंद आ गई, हमने कहा चलो ये बना देते हैं। हाँ रख दो, चलो जी गर्मी भी बहुत ज्यादा, मैं कहती पंखा रख के ना यहाँ पे चला दूँ कैसे जैसे आपका दिल करे। हाँ ये जगह भी थोड़ी सूख जाएगी, ये देखे मेरे पाँव लग रहे हैं ना तो गंदा गंदा हो रहा है नीचे दोबारा से ना, तो अभी मैं पंखा रखती हूँ यहाँ पे चला देती हूँ। दीवार कंप्लीट हो गई है नीचे से? नहीं अभी तो घास बनाया नीचे। अच्छा हाँ अभी हो गया, अभी वो जो पुल आ रही है पुल बनानी है, अभी ये जो रास्ता आ रहा है यहाँ बनानी है, ऊपर यहाँ पे 14 अगस्त आ रही है ना यहाँ पे फ्लैग भी बनाएंगे। अच्छा हाँ अभी एक बात तो और इतना है सारे अभी काम है। कलर है वो फ्लैग वाला? हाँ कलर है, कंप्लीट करेंगे आज इस दीवार को इंशाल्लाह मुकम्मल। हाँ जी, तो आज इसने मुझे कहा कि यहाँ पे झंडा बना रहे हैं 14 अगस्त का, तो पीटीआई का बनाओगे या दूसरा? पीटीआई का नहीं हाँ। अच्छा। बनाएंगे पाकिस्तान का झंडा। अच्छा चलें ये बनाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो कलर क्योंकि काफ़ी इस्तेमाल हो जाते हैं फिर कलर ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम पेंटिंग छोड़ देते हैं, फिर कलर मंगवा लेते हैं या ले आता है फिर शुरू कर देते हैं, इस वजह से मैं इससे पूछ रही थी कि वो कलर भी है कि नहीं झंडे का ना। झंडे का कलर है हाँ, ये देखें ये बादल फिर क्या। अच्छा चले ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मैं अच्छा अच्छा सा ना अपनी पेंटिंग करूं। ये मुझे शौक है, अक्सर बहन भाई कहते हैं कि क्या तुम लोग स्कूल बना रहे हो, स्कूल नहीं है बस मुझे शौक है कि मैं पेंटिंग करूं। हाँ तो इंशाल्लाह स्कूल का काम है उसमें भी पेंटिंग है तो वो भी करेगा, वो भी आपको फिर दिखाएगा ना। अच्छा ये हाँ ये झंडा बना रहे हो है ना। चलें जी हमें झंडा लगाना नहीं पड़ेगा, हम अपने दीवार पे खुद अपना झंडा बना लेते हैं। तो ये पहले मुझे कह रहा था कि मैं झंडा ले आता हूँ और फिर बड़ा सारा ना लकड़ी ले आता हूँ डंडा बड़ा सारा, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, तो मैं सोच रही थी मैंने कहा अच्छा ले आना फिर लगा लेंगे, तो आज इसको अचानक से जहन में आ गया कि हम दीवार पर ही बना देते हैं ना यहाँ पर। चलें ये भी अच्छा हो जाएगा, दीवार अच्छी बन जाएगी, ये नीचे सारा कवर हो गया, ये देखें अब इसकी टांगे नजर नहीं आ रही, यहाँ पे घास बन गया है, अरे यहाँ पे सब नजर आ रहा है, ये भी कवर हो जाएगा। हाँ यहाँ पे दरख्त बनाओगे या क्या बनाओगे पता नहीं, ये भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, पता नहीं की बातें नहीं होती। ये नीचे पेंसिल से तो दरख्त लग रहा है, पता नहीं अब क्या बनाएगा नीचे ना। चले तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से गुड़िया का सर भी कवर हो चुका है, तो अभी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही गुड़िया से ना। हाँ ये सूख जाएगी सारी। हाँ पिछली बार ये भी भाई बहन भाई कह रहे थे ये ना आपने अच्छे तरीके से नहीं छुपाई इसको, तो हाँ। ये भी छुप गई है, टाइम नहीं मिल रहा था ना इसलिए मैं नहीं बना रहा था।
टाइम भी, और दूसरी बात यह है कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा था इसको चुराने को अहमद का खास तौर पे। नहीं नहीं मेरा क्यों नहीं, अभी इसका हाथ भी नजर आ रहा है, ये देखो यहाँ पे इसका जो है ना वो मतलब दफ्त का जो होता है नीचे वाला हिस्सा तना बना रहेगा, झंडा बहुत प्यारा बनेगा ऐसे ना। ये देखें ये ज्यादा ग्रीन ही कर लिया इसको, ये सही है, ग्रीन होता है ना, फेस ज्यादा ग्रीन है, लाइट भी हो सकता है। तो आपने ना मुझे आज कमेंट में बताना है कि ये कैसा बना रहा है, वैसे आपके अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को खुशी होती है कि आप इसे अप्रिशिएट करते हैं अहमद को कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हो। तो आज जो है आपने, क्योंकि हमने दीवार कंप्लीट की है तो आपने इसका बताना है कि ये हमारी दीवार कैसी बनी है, और ये ख़ास तौर पर झंडा भी, कलर ना होने की वजह से ना हमारा काम जो है काफ़ी बच जाता है, क्योंकि कलर हैं तो सारे, फिर भी एक आधा कम हो जाता है, अभी कम नहीं होंगे, अभी मुकम्मल है कलर। झंडे के ऊपर चांद और सितारा बनाएगा तब मैं इसको दिखाऊंगी जूम करके, ठीक है। अच्छा अच्छा बनाना है गोल, अच्छा अच्छा होगा इंशाल्लाह। हाँ ये दरख्त बन गया है हमारा एक, और तो यहाँ पे दरख्त के ऊपर जो है वो हमारा झंडा होगा, और ये हमारा घर, अब देखें कितना प्यारा लगा, ये साथ घर है और साथ पहाड़ हैं, समंदर है, घास है, हमारा झंडा भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये दरख्त भी हैं, तो बहुत प्यारी लग रही है दीवार ना। अब चले जी यहाँ पे ये सूरज भी बना रहे हैं, चले जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये सूरज भी बन गया साथ घर के ऊपर, ये दोपहर का मंज़र बनाना, वो शाम का मंज़र है ऐसे ना। हाँ ये दोपहर का मंज़र हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा शाम का मंज़र, ये देखें और ये हमारा दोपहर का मंजर। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से झंडे का सफ़ेद कलर जो है वो भी स्टार्ट कर दिया, भरना इसमें ये सब्ज़ और वाइट, और नीचे ये जो क्या इसको कहते हैं, नीचे डंडा लकड़ी जो ये है ब्लू कलर में, जो हुकूमत ने हमें दिया हुआ है डंडा साल दे रहे महंगाई करके डंडा ही दिया हुआ है ना। हाँ जो भी आता है, बस खाना खराब हो इनका जिन्होंने मुल्क को लूटा है। चले जी ये छोड़ो, अब हम क्या कहें, बददुआ तो दे ही सकते हैं ना, अल्लाह बर्बाद करे उनको जिन्होंने मुल्क लूटा है, खराब हो उनका। हालांकि पहले कहते थे यजीज और काफर लोग, यजीज और काफर लोग, अब तो मुझे लगता है पाकिस्तान में ये पड़े हुए हैं, देखे नहीं थे, बाहर के नहीं थे, पहले सुनते थे, अब देख लिया, बाहर के मुल्कों में हालांकि इंसाफ है, हालांकि वो है भी गैर मजहब और उनमें इंसाफ बहुत है, लेकिन यहाँ पे नहीं है इंसाफ, खत्म, इंसाफ तो दूर की बात है, बंदे खुद मार देते हैं, अल्लाह माफ करे, अब भाग रह गया गया, जैसे इनको मार देते हैं जवाब ही नहीं देते, फिर जो पूछे तो कहते हैं, पूछे तो उसको भी उठा लेते हैं या मार देते हैं, जो इंसाफ जो होता है ना इंसाफ पे, उसको उठवा लेते हैं और मार देते हैं, ऐसे ही अल्लाह माफ करे, ये हाल है। इनको जैसे मौत ही नहीं आनी, इनको मौत ही नहीं याद, ऐसे ना जैसे इन्होंने पूरी जिंदगी ऐसी रह जाना है, अल्लाह माफ करे, मौत का कोई पता ही नहीं है, सांस का ऐसे ना, सांस का पता ही नहीं है कब निकल जाए, लेकिन ये कहते हैं कि पता नहीं है, सारी जिंदगी यहीं पे हुकूमत करेंगे, यहीं पे खाएंगे। ये देखें जी झंडा कितना, ये झंडा मैं कह रही हूँ चांद, ये हमारा चांद बन गया, और ये सितारा भी बनाएगा, अभी
आपने पता क्या करना है, अरहम के ना फेस पे बनानी है पेंटिंग, ठीक है, 14 अगस्त को। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो हम आजाद तो नहीं है, ऐसे ही है ना, सच की बात कह नहीं सकते, किसी सवाल में पूछ नहीं सकते। जो आला अफसर होता है वो अवाम पे जुल्म करता है, उससे उसके ऊपर वाले वो उस पे जुल्म करते हैं, जुल्म ही है बस, और तो यहाँ कुछ नहीं है। बस यही बनाना है, और भी बनाना है? और बनाना नहीं है, और एप्पल है। जल्दी जल्दी बना लो, मैंने अभी खाना भी बनाना है, क्योंकि मैंने रोटी अभी बनानी है सालन, तो वैसे मैंने आपको बताया कि पड़ा हुआ है, और मेरा कान भी बहुत दर्द कर रहा है ना, पता नहीं क्या मसला है, ये कब ठीक होगा, पूरा एक महीना हो गया, मैं तो इससे परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर जिसने मेरे कान में वो क्या कहते हैं पाइप मारा था, वो मानते ही नहीं है कि मुझसे लग गया था, क्या करें फिर। चलें, इसने अब बंद कर रहे हो, कामयाब करना है, और भी बस।